एक तरफ जहां धुआं लोगों में कई तरह के एलर्जी और बीमारियों को बढ़ाता है, तो वहीं बाराबंकी जिले में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अपना इलाज धुएं से करा रहे हैं। यह आस्था है या फिर अंधविश्वास, लेकिन हर पूर्णिमा पर यहां हजारों लोग दूर दूर से आकर एकत्रित होते हैं और धुएं से चमत्कार होने का दावा करते हैं। यह सभी धुएं के इलाज से अपनी बीमारी ठीक होने का दावा करते हैं। आइए जानते हैं धुएं से इलाज की पूरी हकीकत क्या है हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के दारापुर बहरौली गांव से हुआ है, जहां श्री श्री 1008 बाबा मस्तराम का एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर में हर पूर्णमासी के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। लोग यहां दूर दराज से आकर अपनी बीमारियों का इलाज धुएं से कराते हैं। यहां काजू बादाम पिस्ता गरी मुनक्के किशमिश अखरोट दालचीनी बादाम और तमाम तरह के मेवे से एक विशेष हवन यज्ञ होता है। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि भारत में ऐसा हवन यज्ञ और कहीं नहीं होता। हवन यज्ञ से निकलने वाला धुआं लोगों की कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस विशेष हवन यज्ञ का धुआं जिस भी बीमार शख्स को लग जाता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ होना निश्चित है। यहाँ की खासियत यह है कि इस मंदिर में चढ़ने वाला अनाज दूध और पैसे से विशाल भंडारा करवाया जाता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि हवन यज्ञ के धुएं से सभी बीमारियों से निजात मिल जाती है। कैंसर जैसी बीमारी के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। गंभीर बीमारी से जूझ रही लखनऊ की मंजू गुप्ता ने बताया कि उनको भी यहाँ से स्वास्थ्य लाभ मिला है। मंजू गुप्ता का कहना है कि एक महीना ही हो गया था हॉस्पिटल में थी, कुछ खा पी नहीं पाती थी। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर से ही यहाँ की खुशबू आने लगी थी। बाबा का हवन से काफी फायदा हुआ। मंजू की ननद बताती है कि भाभी के ठीक होने पर वो मुझे भी लेकर यहाँ आई, मेरा बच्चा बीमार था। वहीं काफी दिक्कतों के बीच मंदिर से जुड़े और उन्हें फायदा मिला। जिला मुख्यालय के नजदीक कुरौली गाँव के निवासी श्रद्धालु राजू गुप्ता ने बताया कि वो पिछले 7 सालों से मंदिर में आ रहे हैं। बाराबंकी लखनऊ कानपुर और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। श्रद्धालु संदीप यादव ने बताया कि यहाँ दिव्य शक्ति वाले एक महाराज भी हुआ करते थे, जो लोग मान्यता मानते हैं वो यहाँ पूरी होती है। हमें बहुत परेशानी थी, हम कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम 1 महीना हो गया था, लग रहा था बचेंगे नहीं, लेकिन हम जब से यहाँ तुरंत हमें मालूम हुआ तो हॉस्पिटल के सीधा यहीं आए। वो इतनी अच्छी महिमा है कि हमें 1 ही किलो दूर से, हमें 1 किलोमीटर दूरी से महक आने लगी खाने, तो जहाँ बिल्कुल से कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, जो यहाँ नगीचे समझ लो हवन वन बाबा का यहाँ पर होने के बाद हम समझ लो हमें बहुत फायदा हुआ। तब से हम लगातार यहाँ आ रहे हैं, हम समझ लो वो बहुत अच्छी, हर एक चीज मन्नत सबकी पूरी होती है। ऐसे ही भीड़ होती थी, ऐसे ही चलता था यहाँ पे। ये नहीं कि कोई पास में आया तो कोरोना हो गया या कोई दिक्कत हो गई, ऐसा कहीं मतलब सब मंदिर बंद हो गए, यहाँ पे चालू रहता था। इतनी आस्था है यहाँ पे, बहुत मानता है। कोई पता ही नहीं है, बाराबंकी लखनऊ कानपुर बहुत दूर दूर जग में आते। हाँ कोरोना यहाँ कभी नहीं आवा, यहाँ कोरोना बंदे नहीं हुआ, अत्यंत भीड़ रही बराबर। एक बार ऐसा साहब शहीद आए रहे, लौट कर चले गए तो फिर मना की कि तुम अपन करो, पहले ही भंडारा बंद करके रहे। बहुत पुराना बहुत बुजुर्गों के चीज हो चुकी है। हम लोग सब वैसे रहन मछमुड़िया, तब से हम यहाँ चली तो तब यह पाए रहन। हाँ अब सनकी भी हमका नहीं ख्याल है, तो बहुत पुरानी हम आया है सब, ये मंदिर और ये मंदिर सब महाराज जी का सब व्यवस्था जो रहा उससे तो अब तो बहुत आगाह बढ़ी है। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था है कि खेतों में पैदा हुई पहली फसल लोग बाबा मस्तराम को चढ़ाते हैं, जिससे उनकी फसल काफी अच्छी होती है। साथ ही यहाँ लोग दूध लौकी कद्दू हरी सब्जी और पैसे भी चढ़ाते हैं। महीने की पूर्णमासी के दौरान पड़ने वाले बृहस्पतिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटती है।
कोरोना काल के दौरान भी यहाँ मेला बंद नहीं हुआ। इस क्षेत्र के लोगों को कोरोना भी नहीं हुआ। बाबा मस्तराम बाबा के चेले ने बताया कि यहाँ महाराज जी की कृपा है, यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। उन्होंने बताया कि ऐसा हवन यज्ञ पूरे भारत में और कहीं नहीं होता। हर बीमारी के लिए यज्ञ काफी विशेष है। हवन का धुआं शरीर में लग जाए तो बीमारी ठीक होती है। सबसे भला होता है हर काम जो मन से दरकार लगा दे महाराज जी की। हालांकि इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के धुएं से लोगों के इलाज के दावे को मेडिकल साइंस नकारता है। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव के मुताबिक किसी भी तरह के धुएं से लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता। मस्तराम बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ ऐसा क्यों किया जाता है ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इस तरह की किसी भी इलाज की पक्षधर नहीं है, क्योंकि इस तरह से किसी भी रोगी को ठीक नहीं किया जा सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं पूरा स्वास्थ्य महकमा इसे नहीं मान सकता। यहाँ पे जैसे माना यह गया है कि हमारी तो अभी कम उम्र है और पुराने जो हमारे पूर्व दादा परदादा हैं वो बताया करते थे कि यहाँ पे एक साधु महात्मा हुआ करते थे जिनकी जो दिव्य पुरुष थे और वो काफ़ी मतलब उनको अंतर्ज्ञान बहुत था। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये सब जो भी यहाँ पे आता है मान्यता मानता है और उसकी मान्यता पूरी होती है। कोई अपने जो भी अपनी जैसे जो भी श्रद्धा हुआ जिसके पास कोई अनाज लेके आता है, कोई दूध लेके आता है और जिस जो भी फसल हुई पहली वो फसल पहली फसल यहाँ पे लेके आते हैं लोग। जहाँ एक ओर देश आधुनिकता की दौड़ में तेजी से दौड़ रहा है, वहीं आज भी पुरानी मान्यताएं लोगों को इस तरह के विश्वास या अंधविश्वास से बांधे हुए हैं। जहाँ एक ओर लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हैं तो वहीं लाभ पाने वाले इसे चमत्कार नाम दे रहे हैं। बहरहाल मामला कुछ भी हो लेकिन यहाँ फायदा मिलने वालों के प्रचार के चलते लोगों की आस्था मस्तराम बाबा के मंदिर से जुड़ी हुई है।